देखो इसमें पहली चीज आएगी आपकी वो है टेम्परेचर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप छोटी क्लास समझते हैं टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। देखो टेम्परेचर का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या फिर कोई भी चीज कितनी ठंडी है उसको अगर हम मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। 11th चैप्टर है, ठीक है, नंबर 11। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ये किसी भी बॉडी के कितनी कोल्ड है या फिर कितनी हॉट है उसको जो मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ डिग्री, एक डिग्री होती है कि कोई कितना हॉट है कोई कितना कम। बोलते ना कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो हॉट होगी कोल्ड होगी, हॉट होगी। अगर 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगी कोल्ड होगी, नेगेटिव में चला गया तो और कोल्ड होगी। बात समझ आई है। तो टेम्परेचर एक डिग्री होती है, जैसे हम बोलते हैं लेंथ मीटर में, मास केजी में, उसी तरह जो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने जो डिग्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर। क्लियर हुआ। जैसे हम लेंथ की यूनिट क्या बोलते हैं मीटर, मास की क्या बोलते हैं केजी। तो कोई बॉडी कितनी हॉट है कोई बॉडी कितनी कोल्ड है उसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे टेम्परेचर। क्लियर हुआ। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोमीटर। ये हमारा वो डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। क्लियर हुआ। अभी तक हमने टेम्परेचर की 2-3 यूनिट पढ़ी होंगी, डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट वगैरह पढ़ी, केल्विन पढ़ी होगी। अभी हम 3-4 और चीजें पढ़ेंगे कि एक सिस्टम को कैसे बदलते हैं। जैसे आपने यूनिट एंड कल्चर में पढ़ रखा हो कि SI को या फिर CGS को FPS में, FPS को MPS कैसे बदलते हैं, तो अभी हम डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदले या फिर फारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदले या सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदले, वो सारा सिस्टम अभी पढ़ेंगे। क्लियर है। अभी आपको सिर्फ दो चीज समझनी है, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, एक डिग्री होती है जिसके द्वारा हम हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को मेजर करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है ऐसा डिवाइस, सॉरी थर्मोमीटर क्या होता है ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है। क्लियर हुआ। दो डेफिनेशन लिखे फटाफट। ये होता है कुछ टेम्परेचर स्केल्स। जो सेल्सियस स्केल होता है इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहां से जाती है 100 और मिनिमम वैल्यू 0। फारेनहाइट की मैक्सिमम वैल्यू कहां से आती है 212, मिनिमम 32। रूमर की मैक्सिमम 80, मिनिमम 0। केल्विन की मैक्सिमम क्या होती है 373.15 और मिनिमम क्या होती है 273.15। क्लियर हुआ। इन सब स्केल्स में रिलेशन हमारा ये होता है कि आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा रहेगा टी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर हुआ। ये जो है ये टेम्परेचर आपको एग्जाम में निकालने के लिए बोला कि ये टेम्परेचर निकाल कर दिखा। क्लियर हुआ। अगर हम सेल्सियस में, किसमें है सेल्सियस में, तो आप लिखेंगे टीसी। क्या लिखेंगे टीसी, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस इसकी लोअर फिक्स्ड पॉइंट, सेल्सियस की लोअर वैल्यू कितनी है 0। यहां पर हम क्या लिखेंगे 0। क्लियर हुआ। अब सेल्सियस की मैक्सिमम अपर वैल्यू क्या है 100 और लोअर वैल्यू क्या है 0। कोई दिक्कत, इक्वल टू रहेगा। अब आ जाइए फारेनहाइट पे, फारेनहाइट में क्या लिखेंगे टी एफ। क्या लिखेंगे टी एफ, टेम्परेचर इन फारेनहाइट। लोअर वैल्यू कितनी है 32, अपर वैल्यू 212 और लोअर वैल्यू 32। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम आ जाएंगे किसमें, र्यूमर पे, टी आर। लोअर वैल्यू कितनी है इसकी 0, अपर वैल्यू 80, लोअर वैल्यू 0। क्लियर है। इक्वल टू रहेगा TK माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15। कहने का मतलब ये कि चारों टेम्परेचर आपस में इस रिलेशन अकॉर्डिंग क्या रहते हैं बराबर रहते हैं। क्लियर हुआ। आपको एग्जाम में क्या बोले, आपको दो टेम्परेचर दे देगा, क्या पता एक सेल्सियस में एक में किस में दे देगा र्यूमर में, तो क्या करोगे ये दो रिलेशन उठाओगे और इन दोनों क्या कर दोगे बराबर। क्लियर हुआ। अगर आपको बोले कि फारेनहाइट और केल्विन, तो क्या करोगे ये उठाओगे ये उठाओगे, दोनों क्या कर दो आपस में बराबर। क्वेश्चन करेंगे भी क्लियर हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। लिखो इसे, ये नहीं आ रहा आइडियल गैस वाला इक्वेशन आपसे, कौन सा है आ रहा है वहां तक पहुंचने से पहले, तो ये तो हम यहां पे आ गए ना। हां हां ठीक है, करवा देंगे धीरे धीरे, जंप जंप कर दिया। थर्मल एक्सपेंशन देखो,
थर्मल एक्सपेंशन, अच्छा एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना, और थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। पढ़ाई है ठीक है, आपने पढ़ रखा हो जैसा कभी नाम सुना आपने पहले, थर्मल एक्सपेंशन। अरे ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी के साइज में इंक्रीज होना, साइज में क्या होना, इंक्रीज होना, जब हम उसे हीट करते, क्या करते हैं, साइज में इंक्रीज होना, जब क्या प्रोवाइड करें हम लोग, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड, इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तीन तरीके का होता है, देखो तीन तरीके होता है हमारा, इसके टाइप्स देख लो। पहला हमारा होता है लीनियर एक्सपेंशन, क्या होता है हमारा, नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या इंक्रीज होगी, हमारी लेंथ क्या इंक्रीज होगी, जब किसी बॉडी को इंक्रीज करेंगे और उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर हुआ? दूसरा हमारा होता है सुपरफिशियल, क्या होता है हमारा, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंशन जब हम किसी बॉडी को हीट करें तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा हमारा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्या होता है हमारा, क्यूबिकल। क्यूबिकल एक्सपेंशन में बॉडी की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी, क्या इंक्रीज होती है हमारी, वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रखना ये तीनों कब होंगी, जब बॉडी को हीट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हीट। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंशन जब किसी बॉडी को हीट करे और तब बॉडी का अगर कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, यानी थर्मल एक्सपेंशन। पहला हमारा क्या होता है, लीनियर, बॉडी की इंक्रीज होगी लेंथ। सुपरफिशियल में क्या होगा, सरफेस एरिया। क्यूबिकल में क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्लियर है, डेफिनेशन लिखेंगे इसके फटाफट। आज ही मुझे तो ये मिल गई, मुझे लगा कि उधर होगी तो मैं उधर नहीं बैठती। कर्मा सेज है लीनियर एक्सपेंशन। देखो मान लो हमारे पास एक रॉड है इस तरीके से, इसकी लेंथ मैंने बोली L1, रोहित दिख रहा है यहाँ से, इस पॉइंट पर मैंने टेम्परेचर बोला T1, मैंने क्या बोला, T1। क्लियर हुआ? मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मैंने इंक्रीज कर दिया। अब हमें पता है रॉड है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। मैंने मान लिया इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इतनी इंक्रीज हो गई, पहले लेंथ इतनी थी, अब कितनी और इंक्रीज हो गई, मैंने मान लिया डेल एल, कितनी हो गई, डेल एल, मतलब छोटी थोड़ी सी लेंथ हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस पॉइंट पर मैंने टेम्परेचर बोला टी टू, क्या बोला मैंने, क्लियर हुआ? अच्छा अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर माइनस टी वन, इसका मतलब क्या होगा, टी टू माइनस टी वन, जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी लेंथ हमारी क्या होगी, चेंज होगी। दूसरा बोलता है कि डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन, किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल वन। क्लियर हुआ? अच्छा अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइन करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, L1 डेल्टा T ये बनेगा, कंबाइन करेंगे ठीक है, डेल्टा L को जब यहां से हटाते हैं, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइड कांसेप्ट आती है, इसे मैंने बोला अल्फा, क्या बोला मैंने, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोई दिक्कत आता। अच्छा डेल L को मैं बोल सकता हूँ L2 माइनस L1, बोल सकता हूँ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। देखो ये मान लो हमारे पास एक शेप है इस तरीके से, इसका पहले का सरफेस एरिया मैंने बोला S1, क्या बोला मैंने, S1, इस पर टेम्परेचर मैंने बोला T1, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया और इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया हो गया इंक्रीज, मान लो इतना हो गया,
डेल एस कितना हो गया मेरा डेल एस, और इसमें मैंने टेम्परेचर बोल दिया टी टू, क्या बोल दिया मैंने T2. तो अगर अच्छा मैं डेल एस की बात करूं इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन सरफेस एरिया, ये होगा ना इसका मतलब। और जिसको मैं एस टू माइनस एस वन बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं क्लियर है। अच्छा अभी जैसे मैंने पहले ही कहा था कि डेल्टा एस जो है, जैसे हमारा जो डेल्टा एल था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डेल्टा टी के। जिस तरीके से डेल्टा एल डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा ये डेल्टा एस भी सपोज करें डेल्टा टी के, उसी तरह डेल्टा एल डेल्टा डेल्टा एल जो था वो एल वन के प्रोपोर्शनल था, डेल्टा एस किसके होगा एस वन के। क्लियर हुआ इक्वेशन वन, मतलब बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अगर दोनों कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू एस वन डेल्टा टी, ये बनेगा यहां से आ जाएगा एक बीटा, बीटा क्या जाएगा हमारा बीटा, हाँ इस बीटा का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। डेल्टा एस को मैं एस टू माइनस एस वन बोल सकता हूँ, S2 को मैं S1 plus beta S1 delta T बोल सकता हूँ, यहाँ से मेरा S1 क्या आ जाएगा common 1 plus beta delta T that is equal to S2. Clear हुआ? ये हमारा किसका है superficial का। अच्छा अगर मैं cubical की बात करूँ तो cubical में क्या चेंज होता है volume, volume. यानी cubical के लिए मैं V2 equal to V1 1 plus gamma delta T बोल सकता हूँ। Clear हुआ? कोई दिक्कत? लिखो इसको। यहाँ पर गामा का मतलब क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्लियर है लिखो। अरे कैसे कैसी बातें कर रहा है। अच्छा एस का मतलब क्या होता है सरफेस एरिया, अगर मैं एस वन की बात करूं क्या मैं इसको एल वन का स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोल सकते ना। एस टू को मैं एल टू का स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ से ब्रेथ होता है ना मैक्सिमम, तो लेंथ इनटू ब्रेथ वही तो चीज हो जाएगी ठीक है। अच्छा एस टू को मैं एस वन वन प्लस बीटा डेल्टा टी बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना। अच्छा एल टू को मैं एल वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बोल सकता हूँ, एल टू आपने कर दिया एल वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी उसका स्क्वायर हमने लिख दिया, क्लियर है। एस वन वन प्लस बीटा डेल्टा टी is equal to L1 का स्क्वायर होगा, L1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लगेगा A plus B, ये बस समझ रहा है कि सिर्फ ये इसका ही स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है ठीक है, पूरे का ब्रैकेट वाला बस। L1 का स्क्वायर भी होगा और उन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर करो ना, होल स्क्वायर ही तो यार ये देखना ठीक है। A plus B का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर plus B स्क्वायर प्लस टू ए बी, कोई दिक्कत। अच्छा एस वन हमारा किसके बराबर था, एल वन स्क्वायर के, यानी एस वन से एल वन स्क्वायर कैंसिल, क्यों दोनों आपस में क्या है बराबर है, कोई दिक्कत। बचेगा क्या वन प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा, अच्छा देखो बात सुनो, जो अल्फा होता है डेल्टा टी का मतलब क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो अल्फा होता है और जो डेल्टा टी होते हैं ये हमारे पास छोटे होते हैं, क्या होते हैं छोटे होते, तो इनका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, इसके हम लोग क्या करेंगे नेगलेक्ट, क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट, तो बचेगा क्या सिर्फ टू अल्फा डेल्टा टी, क्लियर है। वन से वन कैंसिल, क्या बचा बीटा डेल्टा टी इक्वल टू टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो बीटा किसके बराबर आ गया हमारा टू अल्फा, क्लियर हुआ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जिस तरह मैंने ये करा है आप लोग क्यूबिकल में कीजिए, क्यूबिकल में क्या लिखोगे b1 को मैं l1 का क्यूब बोल सकता हूँ, और b2 को मैं क्या बोल सकता हूँ l2 का क्यूब, बोल सकते हैं ना ठीक है। तब क्या करना है v2 जगह पर इस तरीके से करना है v1 वन प्लस गामा डेल्टा टी, और l2 जगह क्या लिखोगे इसका क्यूब करोगे, देखो क्या रिलेशन आता है, समझ में आ रही बात, ये बीटा इक्वल टू अल्फा समझ में आया ना, इसको लिखो पहले आएगा। अच्छा बीटा इक्वल टू अल्फा आ गया, सॉल्व करो गामा क्या जाएगा हमारा थ्री अल्फा। अगर मैं अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा निकालूं तो क्या होगा, अल्फा रेशियो टू अल्फा रेशियो थ्री अल्फा,
ये होगा ना अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या आ जाएगा 1:2:3। तो अल्फा में बीटा में और गामा में क्या रेशियो होता है 1:3। ये रहे देखो इसको, ये पेपर में पूछता है बस। अच्छा देखो, अच्छा अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं, अच्छा स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ये होता है ना। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल एल अपॉन में एल। अभी हमने लीनियर स्पेशल में पढ़ा है कि डेल एल को मैं एल अल्फा डेल्टा टी बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना, ठीक है। यहां से मैं डेल एल अपॉन एल को अल्फा डेल्टा टी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत। अच्छा अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूं, यंग्स मॉडुलस, किसी बच्चे को पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ। क्या होता है, लिखना आता है, अबे बोलना ही तो आना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, किसका फॉर्मूला होता है ये हमारा, यंग्स मॉडुलस, फोर्स बाय एरिया और डेल एल। ओहो मैं तो पूरा क्यों उसको बोल रहा था, यंग्स मॉडुलस इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल सकता हूँ। हाँ भाई ठीक है, यंग्स मॉडुलस उनके सिंडिकेट करते हैं गामा से, गामा लॉन्गिट्यूडनल से करते हैं, वाई से करते हैं ना। किसका फॉर्मूला ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्लियर हुआ, लिखो इसको फटाफट। समझ आया?